आज के वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है, इसके अंदर वेरियस पोस्ट वैकेंसीज निकाली गई थी। उसके लिए देखिए मैं आपको बताने वाला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ पर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग को नज़र आ रहा होगा, देखिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे ncsm.gov.in, यहाँ पे आने का देखिए आप लोग कहाँ से आप लोग को यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो या फिर क्यूरेटर या फिर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए आप अप्लाई किए हो NCSM के अंदर यहाँ पे, तो देखिए ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 सभी का देखिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस प्रकार से आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग को नोटिस आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। जैसे नोटिस के ऊपर यहाँ पे देखिए माउस का मैं यहाँ पे कर्सर लेके गया तो यहाँ पे देखिए तीन चीज़ यहाँ पे खुल गया, टेंडर रिक्रूटमेंट अदर। यहाँ पे रिक्रूटमेंट जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग को यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे स्टेनोग्राफर तो स्टेनोग्राफर देखिए, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 2 यहाँ पे देखिए, उसके बाद फिर ग्रेड 3, उसके बाद ग्रेड 3 का यहाँ पे देखिए है ग्रेड 3, उसके बाद ग्रेड 3, उसके बाद फिर जूनियर स्टेनोग्राफर। यहाँ पे इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी का आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट यहाँ पे देखिए असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे जो निकाला गया था वो उसके लिए यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्यूरेटर बी का भी देखिए आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आप लोग मिल जाएगा। फिर दूसरे पेज के ऊपर आप यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे टेक्नीशियन ऑफिस असिस्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर ऑफिस असिस्टेंट देखिए आप लोग को यहाँ पे मिल गया, क्यूरेटर आप लोग को यहाँ पे मिल गया। तो आप लोग इसी प्रकार से देखिए आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको सभी का मिल जाएगा आप लोग के यहाँ पे। मैं एक एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं क्वेश्चन पेपर देखिए आप लोग का OA ग्रेड 2 का मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा कि व्यू एंड डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए PDF आपको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। तो रिटर्न टेस्ट का यहाँ पे देखिए 100 मार्क्स का जो आपको हुआ था डेट भी आप लोग को यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग को दिया गया। यहाँ पे देखिए ऑल सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी यहाँ पे है। टू आंसर पार्ट 1 के अंदर यहाँ पे टिक करना है यहाँ पे ऑन द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन आंसर, मतलब कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है आप लोग का तो इसके अंदर आपको टिक करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पार्ट 1 के अंदर जैसे कि इंग्लिश आप लोग यहाँ पे है 30 मार्क्स का आप लोग को इंग्लिश नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे इंग्लिश का यहाँ पे है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर रीजनिंग आपको यहाँ पे आ गया 20 मार्क्स का रीजनिंग क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक जो आपको क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे रहता है उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका अर्थमेटिकल सम जिसको मैथ्स हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। मैथ्स का यहाँ पे देखिए आप लोग को 15 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दिएगा मैथ्स का यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर यहाँ पे एक लेटर टू एडिटर आपको यहाँ पे लिखना होगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे देखिए कंप्लेंट लेटर आप लोग लिखना होगा और दूसरा पैराग्राफ आप लोग यहाँ पे लिखना होगा 100 वर्ड्स का यहाँ पे। ये देखिए ये इसी प्रकार से आप यहाँ पे किसी भी मतलब के पोस्ट का जिसके आप अप्लाई किए हैं आप यहाँ से उसका प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं सभी का यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे भुवनेश्वर वाले पे आप क्लिक कीजिएगा, इसी प्रकार से आपको खुलना है यहाँ पे तो आपका पेपर यहाँ पे देखिए आपका PDF यहाँ पे आपको खुल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ पे मिल गया है यहाँ पे, देखिए अब इसको प्रैक्टिस आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रखा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।